सब्सक्राइब करन्तु एजुकेशन एम्पायर चैनल को बेल आइकन को प्रेस करी ऑल को प्रेस करन्तु लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। प्रथम अपडेट रही ओसेपारू लेटर, लेटर नंबर रही 5630, डेटेड रही 2/7/2021। लेटर टी कराई समस्त डीओ डीपीसी एवं बीओ को। सब्जेक्ट रही ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम रेडियो पाठशाला फ्रॉम 5 July 2021 रिगार्डिंग। तो 5 July 2021 ठार रेडियो पाठशाला एजुकेशनल प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग निमंत लेटर टी कराई। मैडम सर, विथ रेफरेन्स टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, आई एम टू से दैट इन द व्यू ऑफ द क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यू टू पैंडेमिक COVID-19, इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंटिन्यू द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम रेडियो पाठशाला फ्रॉम 5 July 2021 टू फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1-8। तो COVID-19 रो संक्रमण कारण स्कूल गुड़िक बंद था, तो से एजुकेशनल प्रोग्राम रेडियो पाठशाला को 5 July ठारु पुनर्बार प्रसारित कर। तो यही रेडियो पाठशाला कार्यक्रम टी 1-8 श्रेणी पर उद्दिष्ट रही। दि प्रोग्राम विल बी ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो सोमवार रु शुक्रवार दिन जाए प्रोग्राम प्रसारित कर फॉर 1 hour a day, प्रतिदिन 1 घंटा प्रसारित हो फ्रॉम 11 AM to 12 PM। समय मध्य रही दिन 11:00 to 12:30 पर्यंत। द ब्रॉडकास्टिंग शेड्यूल फॉर द पीरियड फ्रॉम 5/7/2021 to 9/7/2021 इज एनक्लोज्ड हियर विथ फॉर योर रेफरेंस। तो 5/7/2021 to 9/7/2021 पर्यंत रही प्रसारित शेड्यूल को एनक्लोज कराई। तो देखा, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू इंटीमेट ऑल हेडमास्टर्स एंड CRCCs टू वाइडली डिसेमिनेट अमंग द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स टू लिसन टू दि प्रोग्राम। तो समस्त हेडमास्टर एवं CRCC मानक जनईदे निर्देश दिखाई से प्रोग्राम विषय छात्र छात्री पितामाता और टीचर मानक जनइबे। तो देखो, रेडियो पाठशाला क्लास वाइज टाइम टेबुल दि जाए। डे टाइम 11:00 to 11:10 AM, तापर रही 11:10 to 11:20, 11:20 to 11:30, 11:30 to 11:40, 11:40 to 11:50, 11:50 to 12:00 मंडे टू फ्राइडे रही। देखु तापर देखा, रेडियो पाठशाला मंथ जुलाई 2021 ब्रॉडकास्टिंग शेड्यूल फ्रॉम 5/7/2021 to 9/7/2021 टाइमिंग 11 AM to 12 PM। तो 1-8 पर्यंत क्लास रो टाइम टेबल दि जा। तो निश्चित भाव बड़ अपडेट देखा परवर्त अपडेट। नवम दशम पिला यूट्यूब लाइव क्लास 21 सोमवार रु शुक्रवार 10:45 रु दिन गोटाए जाए पाठपढ़ा, गोटे पीरियड में 1/2 घंटा शिक्षादान, सारा राज्य में जड़े शिक्षक गोटे पीरियड ने। भुवनेश्वर नवम दशम श्रेणी पिलांक ऑनलाइन क्लास आसंता 21 तारीख ठू आरंभ हेबो। सारा राज्य में यूट्यूब थरे लाइव क्लास हेबो। सबु पिला एही लाइव क्लास को देखी पाठ पढ़िबे। प्रति सोमवार शुक्रवार जाए सकाळ 10:45 रु दिन गोटाए पर्यंत 4टी पीरियड लाइव क्लास करा जिवो। प्रति पीरियड समय 1/2 घंटा। सबु जिला शिक्षाधिकारी यूट्यूब लाइव क्लास पई व्यवस्था करिया को माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय निर्देश देछंती। सारा राज्य में नवम दशम श्रेणी पिलांक पाठपढ़ा गोटे समय ही हेबो। गोटे बहीर गोटे विषय जणे ही शिक्षक पढ़ाइबे। से विषय सरिबा परे आउ जने शिक्षक आउ एक विषय पढ़ाइबे। सबु पिला एही गोटे क्लास को ही यूट्यूब लाइव रे देखी शिक्षा ग्रहण करिबे। नवम दशम क्लास 2टी रूम रे लाइव हेबो। शनिवार कौनसी क्लास हेबनी। पूर्व वर्षर परिवर्तित सिलेबस हिसाब रे ही दशम श्रेणी पिला शिक्षा दिया जिवो। आउ नवम श्रेणी पिला उत्कर्ष बही रे थिबा लेसन हिसाब रे पढ़ा जिवो। सप्ताह रे दशम श्रेणी पिला ओडिया 3टी पीरियड हेबो। सेहिबळी इंग्राजी 3, गणित 2टी, ज्यामिति 2टी, पदार्थ विज्ञान 2, जीव विज्ञान 2, भूगोल इतिहास मिसाई 3टी एवं हिंदी और संस्कृत 3टी पीरियड करा जिवो। कौनसी विषय पीरियड चलिबा समय रे स्कूल से ही विषय शिक्षक लाइव क्लास देखिबे। पर से माने छात्र छात्रीों डाउट को चैट किंबा वॉइस कॉल माध्यम रे बुझाइबे। एथिपई स्कूल कर्तृपक्ष क्लास सरिबा पर पिलांक डाउट क्लीयरिंग करने को क्लास रखिपारे। पिलांक उपस्थान को स्कूल कर्तृपक्ष रेकर्ड करेंगे। विषय प्राक्टिस स्कूल शिक्षक वर्कशीट तैयारी कर पिलांक व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम देवे। पिलाने उत्तर देवापर मार्क को रेकर्ड कर रखे कहुई। तो निश्चित भाव में बड़ अपडेट टे देखा परवर्त अपडेट। DISC रिपोर्ट 2019-20 ओडिशार 3% सरकारी स्कूल इंटरनेट
राज्यर सरकारी स्कूल गुड़िकर भित्तिभूमि रे उन्नति आणिबा पई विद्यालय ओ गणशिक्षा विभाग कोटि कोटि टंका खर्च करछंती हेले ए पर्यंत ओडिसा रे मात्र 2.72% सरकारी स्कूल रे इंटरनेट सुविधा रही छि जहां यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-20 रे दर्शाई छि। ओडिशा रे 53,260 सरकारी स्कूल अच्छी सेथिरु केवल 8,615 विद्यालय रे कंप्यूटर सुविधा रही ताहा मध्यरु 8,500 स्कूल रे कंप्यूटर गुड़िक कार्यक्षम अच्छी केवल 1,450 सरकारी विद्यालय रे इंटरनेट सुविधा रही। राज्य में 5,839 सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल मध्यरु मात्र 335 इंटरनेट सुविधा रही। सेहिपरि 6,375 घरोई स्कूल रु 2,231 स्कूल रे इंटरनेट सुविधा रही जहाँ सरकारी स्कूल तुलना रे ढेर अधिक पाखापाखि 35% घर स्कूल इंटरनेट सुविधा रही। अपरपक्ष राज्य में मोट स्कूल 20.18% स्कूल इंटरनेट सुविधा रही UDISE रिपोर्ट 2019-20 उल्लेख कर। तो चल देखा परवर्त अपडेट। बेकार छात्र छात्री को टार्गेट कर लुट। जिओ टेलिकम निजुक्ति ना इंटरनेट आसुची लिंक। SMS पठाई मसक 18,000 रोजगार लोभ। करोना काल में चाकर जाल बिछाई साइबर ठक। भुवनेश्वर करोना काल रे जाल बिछाई साइबर ठक। विभिन्न उपाय लुटी चलती। बेकार हो बसी छात्र छात्री और चाकरी हर जुवक युवती को टार्गेट करमी आउ एक घटना सामना को आसी घरे बस SMS पठाई मसक 18,000 टंका पर्यंत रोजगार लोभ देखा साइबर ठक लुटी घटना सामना को आसी। रिलायंस जिओ टेलिकम निजुक्ति नारे ठक ठकई कर अभियोग केतक छात्र अल्पके बर्ती जाती। तो निश्चित भाव बड़ अपडेट देखा परवर्त अपडेट। विश्वविद्यालय आसिबे समस्त अध्यापक अनशिक्षक कर्मचारी भी आसिबे 10:30 सुद्धा खोलिबो विभाग। UG ओ PG ऑनलाइन परीक्षा पई आरंभ हला कसरत। भुवनेश्वर आउ 50% नुहे। डिग्री महाविद्यालय ओ विश्वविद्यालय को आसिबे समस्त अध्यापक कर्मचारी सकाळ 10:30 सुद्धा समस्त विभाग खोलिबो। राज्य उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु दिया जायजी एभली निर्देश। विशेषकर जुलाई और अगस्त मास रे स्नातक और स्नातकोत्तर शेष वर्ष शेष सेमिस्टर परीक्षा थिबारु समस्त अध्यापक माने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय आसिबा आवश्यक बोली विभाग जुक्ति दर्शाई। सेहिपरि प्रश्न प्रस्तुत करिबा थारु आरंभ करी विभिन्न क्षेत्र में अनशिक्षक कर्मचारी मानक उपस्थिति आवश्यक थिबारु सेमानकु मध्ये आसिबाकु कहुआयछि। तो निश्चित भाव बड़ अपडेट टी देखिबा परवर्ती अपडेट। ऑफलाइन मैट्रिक परीक्षार मार्क ही चूड़ांत। गणशिक्षा मंत्री असंतुष्ट छात्र छात्रों पर मैट्रिक परीक्षा आसंता जुलाई 30 रु अनुष्ठित हो। विकल्प मूल्यायन प्रक्रिय असंतुष्ट थिबा छात्र छात्री माने ऑफलाइन मैट्रिक परीक्षा देबे तेबे ए संपर्क में प्रतिक्रिया रखी मंत्री श्री समीर रंजन दास कहते आसंता जुलाई 5 रु मैट्रिक परीक्षा फर्म पूरण कर। फर्म पूरण पर छात्र छात्री को कौन सी फी देवाक पड़े ना। जुलाई 30 रु परीक्षा आरंभ हो अगस्ट 5 रे सर। दशम श्रेणीर 70% पाठ्यक्रम को आधार कर परीक्षा अनुषित हो तेज फर्म पूरण करने छात्र छात्री संख्या को दृष्टि रखी परीक्षा प्रश्नपत्र संपर्क में बोर्ड कर्तृपक्ष निष्पत्ति ग्रहण करेंगे। से हीपरि परीक्षा शेष होवार 15 दिन मध्य परीक्षा फल प्रकाश पाइब। रिजल्ट बाहर पर छात्र छात्री मैंने प्लस टू रे नामलेखा आवेदन करेंगे। एथिलागि समस्त व्यवस्था ग्रहण कर। ऑफलाइन परीक्षार मार्क चूड़ांत मार्क बोली ग्रहण करी मंत्री कहते। तो निश्चित भाव बड़ अपडेट। तो चल देखा परवर्त अपडेट। बड़ अपडेट। आदर्श विद्यालय शिक्षक निजुक्ति मामला हाइकोर्ट को जवाब तलब। ओडिशा आदर्श विद्यालय रे शिक्षक निजुक्ति प्रक्रिय NCTE नियम उल्लंघन होता दर्शाई दायर मामलें हाईकोर्ट जवाब तलब कर। NCTE नियमावली अनुसार स्नातक डिग्री सहित सीटी योग्यता थिबा प्रार्थी षष्ठ रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री को पढ़ाई शिक्षक भाव निजुक्ति पारे किंतु ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन 2020 रे शिक्षक निजुक्ति प्रक्रिय सीटी योग्यता थिबा प्रार्थी को सुजोग दे नथिले। एही प्रसंग को नै दायर मामलें दर्शाई है 2017 अक्टोबर 23 हाईकोर्ट राय आवेदनकारी सपक्ष रही षष्ठ रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री को पढ़ाई शिक्षक निजुक्ति क्षेत्र में सीटी योग्यता थिबा प्रार्थी को आवेदन सुजोग देवाक हाइकोर्ट 2017 निर्देश देते। मामलें विद्यालय गणशिक्षा सचिव ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन माध्यमिक शिक्षा परिषद NCTE केन्द्र सरकार को हाइकोर्ट नोटिस जारी कर डॉक्टर जस्टिस BR षडंगी को नहीं गठित खंडपीठ एके दास को आवेदन शुणाणी करपरि निर्देश देते। तो चल देखा परवर्त अपडेट। 8 अभिभावक महासंघर आमरण अनशन। 15% स्कूल फी छाड़ दाबी। स्कूल फी छाड़ नहीं हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट निर्देश को अनेक शिक्षानुष्ठान पालन करूना। यार प्रतिवाद में आसंता 8 तारिखर ओडिशा अभिभावक महासंघ भुवनेश्वर ADM कार्यालय आगे आमरण अनशन कर चेतावनी देती। 8 तारिखर महासंघर भुवनेश्वर आवाहक प्रद्युम्न मिश्र नेतृत्व में 100 रु ऊर्ध अभिभावक नेता
अनशन में बसवाक निष्पत्ति नहीं महासंघ जिलापा चिठी लिखि जन तो निश्चित भाव में गोटे गुरुत्वपूर्ण अपडेट देखा परवर्ती अपडेट बार एम्स विद्यार्थी पाठपढ़ा एम्स भुवनेश्वर प्रथम वर्ष मेडिकल विद्यार्थी प्रथम वर्ष परीक्षा जुलाई 15 तारीख आरंभ हो लॉकडाउन धीरे धीरे कोहल होइथिबारु आसंता सोमवार ठारु सेमानक प्रैक्टिकल क्लास हेबो बोली डीन देवाशी श्वेता सूचना देइछंती। तो निश्चित भाव बड़ अपडेट देखा परवर्ती अपडेट ट्यूशन पिलांकु अधिक मार्क देइथिबा शिक्षकंकु बदली दाबी बुगुड़ा घर ट्यूशन करथिबा छात्र छात्रंकु अधिक मार्क दिया जाइथिबा बेले ट्यूशन आसुनथिबा पिलांकु जानिसुनी कम मार्क दिया जाइथिबा अभियोग होइथिला। मंगलवार गोलिया श्रीकांत स्वामी तपोवन नोडाल उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक को विद्यालय रखी ताला पकाई विद्यालय जनेक सहकारी शिक्षक निज ट्यूशन पिला अधिक मार्क दे अन्य पिला कम मार्क दे अभोग कर गुरुवार अभिभावक मैंने सहकारी शिक्षक शंकर जेना बदली बीओ प्रसन्न कुमार बेहरा दावीपत्र प्रदान कर पूर्व अभिभावक मैंने दुई थर जिलापा निकट अभियोग करते संपृक्त शिक्षकों विरुद्ध में कार्यानुषान ग्रहण कर संपृक्त शिक्षकों बदली ना अभिभावक मैंने आंदोलन करेंगे चेतावनी देते। तो चलो देखा परवर्ती अपडेट कोविड मृत्युपाई क्षतिपूरण देवाक पड़े सुप्रीमकोर्ट गाइडलाइंस एवं राशि धार्य पर 6 सप्ताह समय दे करोना रे प्राण हर लोकों परिवार को सरकार पक्ष आर्थिक सहायता देवाक पड़ तेबे एही परिमाण केते हेबो से संपर्क में जातीय विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष गाइडलाइंस जारी करू एक जनस्वार्थ मामलार विचार करी सुप्रीम कोर्ट आज यही निर्देश देछंती। एथिपई एनडीएम ए को 6 सप्ताह समय देछंती। एभली परिवार को 4 लाख टंका लेखाएं सहायता देबा लागि होइथिबा आवेदन संपर्क में कोर्ट कहिछंती जे सहायता राशि परिमाण कोर्ट धार्य करबा ठीक हेबो नाही। ए संपर्क में एनडीएमए निष्पत्ति नेउ मामलार विचार करथिया जस्टिस अशोक भूषण एवं एमआर शाहांक खंडपीठ एनडीएमए उपरे बर्षिछंती कहिछंती एही संस्था सांविधानिक दायित्व निर्वाह करिबारे विफल होइछि। तो निश्चित भाबरे गुरुत्वपूर्ण अपडेट देखिबा परवर्ती अपडेट 139 भिन्नक्षम पिलांक परीक्षाफल बाहरिनी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और भिन्नक्षम सचिव को ओएचआरसी रो रिपोर्ट तलब निकटरे नवम श्रेणी परीक्षाफल आधार में दशम श्रेणी छात्र छात्री परीक्षाफल प्रकाश पाई किंतु बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कटक 9 विद्यालय 139 जन स्वतंत्र छात्र छात्री उभय दृष्टिशक्ति और श्रवण दुर्बल मैट्रिक फलाफल को अटकई देती फल भिन्नक्षम छात्र छात्री मैंने उच्च शिक्षार वंचित होगा भाई समस्या उपजी एने मानव अधिकार फ्रंट इंडिया अध्यक्ष तथा जातीय मानव अधिकार आयोग आर कोर ग्रुप सदस्य मनोज जेना राज्य मानवाधिकार कमिशन निकट में आवेदन करवेदन को ओएचआरसी विचार को नहीं सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सचिव को एक्शन टेक रिपोर्ट दाखल करने को निर्देश देते। तो निश्चित भाव में बड़ अपडेट देखिए परवर्ती अपडेट लेटर टे आस एंड एम डिपार्टमेंट रू लेटर नंबर होगी 11540 डेटेड होगी 30/2021 लेटर टी कराई टू द डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर को सब्जेक्ट अच्छी क्लारिफिकेशन ऑन अलाउिंग एमएससीएम बेनिफिट टू द एलिमेंटरी टीचर्स हैविंग प्लस टू विथ सिटी क्वालिफिकेशन प्लस टू सिटी क्वालिफिकेशन थिबा एलिमेंटरी टीचर मान को एमएससीएम बेनिफिट प्रदान करा जिबो कि नहीं से रिगार्डिंग क्लारिफिकेशन लेटर टी कराई सर इन इनभैटिंग रेफरेन्स टू योर डायरेक्टेड लेटर नंबर 17073 डेटेड 30/9/2020 एंड लेटर नंबर 4365/33/2021 ऑन द अफोरसेड सब्जेक्ट आई एम डायरेक्टेड टू से दैट द एलिमेंटरी टीचर्स हैविंग एचएससी और प्लस टू विथ सिटी क्वालिफिकेशन हु कंप्लीटेड 20 or 30 इयर्स बिफोर 1/7/2014 आर इलिजिबल टू अभेल सेकेंड एंड थर्ड आरएससीपी आज पर दि ग्रेड पे आरएस 2400 एंड आरएस 2800 रेस्पेक्टिवली बाय 1/7/2020 और ऑनवर्ड्स एचएससी किंबा प्लस टू विथ सिटी क्वालिफिकेशन थिबा एलिमेंटरी टीचर माने जेउ माने 1/7/2014 पूर्वरु चाकरी कालर 20 वर्ष एवं 30 वर्ष पूरण कर सारिछंती सेमानंकु आरएससीपी रो सेकंड एवं थर्ड बेनिफिट मिलिबो एवं रूल अनुसार ताहा 2400 ग्रेड पे एवं 2800 ग्रेड पे रहिछि दे आर नॉट इलिजिबल फॉर ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे दिजिव ना इन सेकेंड एंड थर्ड आरएससीपी आज पर आमेंडमेंट रूल्स 2014 तो 2014 आमेंडमेंट रूल अनुसार से 4200 ग्रेड पे दि जापर ना फर्दर दि ओडिशा एलिमेंटरी एजुकेशन मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स एंड ऑफिसर्स आमेंडमेंट रूल्स 2019 कम इनटू फोर्स फ्रॉम 9/2019 अकॉर्डिंगली The eligibility criteria, qualification, condition of service as outlined in the amendment rules 2019, the benefit
ऑफ एमएसपी फॉर 20 एंड 30 इयर्स अंडर ओआरएसपी रूल्स 2017 शाल बी डिटरमाइंड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑन और आफ्टर 9/4/2019। तो अमेंडमेंट रूल 2019 अनुसार जहाँ रूल रही से रूल अनुसार टीचर मानक एमएससीपी प्रदान करा 20-30 वर्ष पूरण हो सारी। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स अकॉर्डिंगली। तो निश्चित भाव में गोटे गुरुत्वपूर्ण अपडेट देखा परवर्ती अपडेट। अंतिम अपडेट शिक्षा विभाग अजब नीति मृत शिक्षक को कोविड कंट्रोल रूम्र दायित्व। नवरंगपुर जिला डाबुगाँ ब्लक शिक्षा विभाग अजब नीति मृत शिक्षक को दायित्व दि जाएगी कोविड कंट्रोल रूम्र कथाटी शुणा को अड़ुआ लगुले भी सत जड़े मृत शिक्षक को कोविड कार्यपाई चिठी जारी हो घटनाटी घटी नवरंगपुर जिला डाबुगाँ ब्लक शिक्षाधिकारी कार्यालय में शिक्षक मानक कोविड कंट्रोल रूम्रे कार्य करने पर्याय क्रमे ड्यूटी पड़ता है। क्रम चलित मस जुलाई 28 तारीख संध्या 6 रात 10 पर्यंत मृत शिक्षक को कोविड कंट्रोल गृह दायित्व दि जाएगी। किंतु कोविड कंट्रोल गृह में ड्यूटी पड़ा शिक्षक जनकर गत 16/8/2020 तारिख में नवरंगपुर एक घर मेडिकल मृत्यु होता जहाँ मृत्यु प्रमाणपत्र उल्लेख रही किंतु मृत्यु पर ना डाबुगाँ गोष्ठी शिक्षाधिकारी यही ड्यूटी तालिकार किपर जारी होता आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक भाव ब्लक्र जड़े मृत शिक्षक मेदिनीकांत मेहर को कोविड कार्यपाई चिठी जारी हो घटना संपर्क में डाबुगाँ शिक्षाधिकारी कही गत वर्ष एपरी भूल होता पर ता संशोधन कर चलित बर्ष भी यह भूलवशत हो तालिकाटी संशोधन करदे। तो निश्चित भाव में गोटे गुरुत्वपूर्ण अपडेट ये आज अपडेट गुड़िक समाप्त होती। धन्यवाद।